सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं शाहिद कामरान, आप दर्शकों का संवाद विद इस कामरान एपिसोड में स्वागत है। पेश है एपिसोड नंबर 1 और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आर्यन ठाकुर सर। अभी हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू एमडी कामरान जी, इट्स माय ऑनर टू बी द पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी मीडिया टुडे। दैट्स व्हाई आई वांट टू पावर लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट टुडे। इट्स अ वेरी ग्लैड डे, वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर मी हियर राइट नाउ टू बी द पार्ट ऑफ। थैंक यू मिस्टर ठाकुर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में आप बताएं। ऑफ कोर्स यस मिस्टर कामरान जी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं इस मधुबनी शहर में बीएलपी एकेडमी करके एक सेंटर चलाता हूं जो काफी पुराना है। क्या नाम बताया आपने? बीएलपी एकेडमी। कहां चलता है ये? मिलन सिनेमा के सामने है। मिलन सिनेमा जो पुराना टॉकीज है वो तो बंद हो चुकी है, उसके सामने इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट फ्लोर पे हम। और ये मेरा सेंटर काफ़ी पुराना है, 20 साल हो गया। और 20 सालों से मैं मधुबनी वासियों को अंग्रेजी शिक्षा देते आ रहा हूँ। 20 सालों से आप अंग्रेजी शिक्षा दे? एग्जैक्टली। और इस 20 साल में मुझे काफ़ी खुशी मिली अपने कामों से और काफ़ी कामयाबी भी मिली कामरान जी। तो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है टू बी द एमडी ऑफ बीएलपी एकेडमी। ओके, एंड आई वांट टू टेल यू आई एम 20 इयर्स एक्सपीरियंस होल्डर। राइट, स्पेलिंग कोचिंग मतलब किस तरह की हुआ, क्या है वो? एक्चुअली मेरा जो एकेडमी है उसमें हम इंग्लिश के हर तरह के पैकेज को लेकर चलते हैं। एकेडमी हो जिसमें हम लोग तैयारी कराते हैं 11th 12th फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट डिग्री की कोर्सेज होती है, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, और खास करके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती है, एक्स्ट्रा करिकुलम भी है हमारे पास। कुछ बच्चे को विदेश जानी रहती है तो विदेशी शिक्षा भी हम प्रोवाइड कराते हैं, खास करके एक्सेंट वगैरह प्रोनाउंसिएशन वगैरह पे हम काम करते हैं। कॉल सेंटर का भी ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराते हैं। आई थिंक हर तरह से बच्चों को कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि जो बच्चा यहाँ से बाहर निकले, खास के बिहार से, तो ये फील नहीं हो उसको कि कभी मैं बिहार में एजुकेशन ले। अच्छा, आप ये बताए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी, जो एजुकेशन होगी, क्या आपने सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड से पढ़े? टू बी फ्रैंक एमडी कामरान, बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार। ठीक है, मैं मधुबनी जिला के मिथिलांचल का एक छोटा सा गांव है राघोपुर ब्लाट, मैं वहीं से बिलोंग करता हूं। और रही बात मेरी एजुकेशन का, तो मेरी एजुकेशन बिहार बोर्ड से ही है। बिहार बोर्ड से ही है? ऑफ कोर्स यस। तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार बोर्ड से जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती, अंग्रेजी सही नहीं होती है। कामरान जी, आई वांट टेल यू आई हैड बीन क्रिकेटर इन माय लाइफ इन माय चाइल्डहुड एंड क्रिकेट वाज माय पैशन। तो आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम क्रिकेट। और ये सरासर गलत है कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे नहीं पढ़ते। अभी फिलहाल मेरा भाई और मेरा स्टूडेंट भी रहा है, बिहार बोर्ड से ही था, अभी बीपीएससी निकाल के ESA बना है। राइट, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका मैंने करियर बिल्ड करा, वो हजारों की संख्या में होगा, जो आपको CGL निकाला, बैंकिंग निकाला, राइट, रेलवे निकाला, आईटी सेक्टर में काम कर रहा, अपना कॉल सेंटर। हम जानना चाहेंगे कि अंग्रेजी सीखना मतलब बोलना कितना आसान है? बिल्कुल आसान है, जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरी नॉलेज की सवाल है। आप तो ऐसे ही बोल रहे, बिल्कुल आसान है, लगता हो कि वो डाल दो पेट में। ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस। आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो बच्चा हिंदी बोलना जानता है, जो मैथिली बोलना जानता है, जिसको उर्दू बोलना आता है, इसको भोजपुरी बोलना आता है, तो टू बी फ्रैंक कामरान जी, अंग्रेजी बोलना बहुत बड़ी बात नहीं, भाषा है, और भाषा सीखने के लिए पैशन होना चाहिए। आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि देखते होंगे आप कि हमारे दर्शक भी जानते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, 30 दिन में 60 दिन में फटाटेदार अंग्रेजी सीखें, भले ही आपको ABCD नहीं आती हो। हाँ, दैट्स द मैटर। मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। दैट्स द मैटर फॉर डिस्कशन। ओके, सबकी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कुछ लोग दिखावा करते हैं, एक दूसरे का कॉपी करते हैं, तो मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि दिखावा में ना पड़े, सत्यता में विश्वास करें। कुछ हद तक तो ये बात सही है, कुछ हद तक ये बात सही है। आप बच्चे को 7 दिन में तैयार कर सकते हो, एक लेवल दे सकते हो, ना कि उसको आप विलियम शेक्सपियर बना सकते हो। बट कुछ लोग दिखावा करते हैं, दे डोंट नो इवन हाउ टू टॉक इन इंग्लिश वेल। लेकिन बैनर पोस्टर, क्योंकि मधुबनी है वो जानते हैं यहाँ के लोग, उतने आगे नहीं, उनकी सोच उतनी आगे नहीं, इस कारण से चलो भाई किसी न किसी तरह से चीट कर लिया जाए। राइट, तो दिखावा में जीते हैं और दिखावा में पैसा भी कमा लेते हैं। सर आर्यन ठाकुर सर, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि मैं ग्रेजुएट हूँ,
अंग्रेजी में लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, तो मेरे लिए अंग्रेजी बोलना कितना आसान होगा, एक बात। दूसरा, एक आदमी है जो नॉन मैट्रिक है, वो से अंग्रेजी ना वो बोल पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसके लिए कितना टफ होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर इस तरह से अगर बैनर देख करके किसी की ख्वाहिश हुई अंग्रेजी बोलने की, आप आइए 30 दिन में मैं सिखला दूंगा, 60 दिन में सिखला दूंगा, आप 5,000 रुपया फीस दे दीजिए, मालूम हुआ 30 दिन में तो सही से स्पेलिंग नहीं करने आ रहा है, उसके लिए कितना नुकसान होता होगा। टू बी फ्रैंक मिस्टर कामरान, जहाँ तक बात एक ग्रेजुएट की है और एक अनपढ़ गवार जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रही बात अंग्रेजी बोलने की, तो बोलना तो दोनों को आ जाएगा, फर्क ये होगा कि काम को दो तरह से किया जाता है कामरान जी, एक तो शिद्दत से किया जाता है, एक कर दिया जाता है, एक गाना गाता है स्टेज सिंगर होता है, एक बाथरूम सिंगर होता है। तो जो एक ग्रेजुएट सीखेगा वो शिद्दत से काम को करेगा, टू बी फ्रैंक उसके काम करने का अंदाज अलग होगा, और एक जो अनपढ़ गवार इलिटरेट करना चाहता है काम तो वो भी कर लेगा, लेकिन वो काम में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, राइट। काम तो दोनों कर लेगा क्योंकि भाषा है, क्योंकि आप देखते होंगे हमारे समाज में एक ग्रेजुएट भी हिंदी बोलता है, मैथिली बोलता है, और एक अनपढ़ गवार भी मैथिली और हिंदी बोलता है, भाषा है। और टू बी फ्रैंक ऐसे बंदे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा करे ना इंग्लैंड चले जाए, अमेरिका चले जाए, राइट, कैनेडा चले जाए, एंड दे हैव टू स्पेंड देयर 1 ईयर 2 ईयर्स, और जब वहाँ से वो 1-2 साल के बाद आए डेफिनेटली दे विल स्टार्ट स्पीकिंग वेल। अच्छे मैं ठाकुर साहब बताइए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बिहार के मिथिलांचल में रहने वाले हैं, हम लोग हिंदी जानते हैं, मैथिली जानते हैं, उर्दू जानते हैं, कुछ लोग अरबी भी जानते हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज को पढ़ने वाले जानने वाले लोग हैं, कुछ बंगाल वाले होंगे बंगाली जानते होंगे, फिर भी अंग्रेजी क्यों जरूरी है इतनी जबान के बावजूद भी? देखिए हिंदी बोलना मैथिली बोलना, ये मैथिली की जहाँ तक बात हो तो मातृभाषा हम लोग का माँ के दूध के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, हिंदुस्तानी है, हिंदी पे हमारा अधिकार है, नो नीड टू गो एनीवेयर टू कमांड हिंदी। बट अंग्रेजी की जहाँ तक बात है, जिस एज में हम लोग रहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के एज है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स के एज है, ये मेडिकल का फील्ड है आज, तो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में विदाउट इंग्लिश वी कांट डू एनीथिंग प्रॉपरली, वी कैन डू बट नॉट वी कैन डू प्रॉपरली। तो काम को प्रॉपर ढंग से करने के लिए वी नीड इंग्लिश। काम तो हिंदी मैथिली से भी किया जा सकता है, बट सही से काम को अंजाम हम नहीं दे सकते। प्रॉपरली काम करने के लिए सीख रहे हैं। Exactly, for each and every guy, right now time will come when that will be needed for each and every guy. Even illiterate need to learn English, okay, especially in coming time. तो सबको सीखना पड़ेगा, that will be compulsory for each and every guy, especially in coming time. That's why. अच्छा ठाकुर जी, आपसे एक स्पेशल जो आप तो बताया कि कई तरह के आप एकेडमिक से लेकर के अलग अलग आप जो है कोर्सेज के जो बुक्स हैं उसको भी पढ़ाते हैं आप है। आपने स्पोकन कितने बच्चों को आप तैयार करवाया होगा आज तक? 20 सालों में, टू बी फ्रैंक कामरान जी, आई हैव जस्ट यू नो 10 मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स, 2 लाख स्टूडेंट, एंड मोस्ट ऑफ द गाय दे आर वर्किंग वेल, स्पेशली नॉट ओनली इन बिहार, आउट ऑफ बिहार, आई मीन टू से इंटायर world, I'm not going to talk about India, they are doing great job especially, okay, most of the guys, they are doing in MNC, I get call from the guys each and every day from MNC, they are working well there especially, they don't think they are from BR, they are particularly Madhuban district, because their English, their accent, their communications superb, okay. कितना समय लेते हैं आप अपने यहाँ, कितने दिन का बोर्ड लगा? देखिए बोर्ड तो लगा है मेरे यहाँ कि 60 दिनों में सीखो, 80 दिनों में सीखो, वक्त के साथ बदलते रहते हैं। दिया कैटेगरी एग्जैक्टली, सब कोर्स का अलग अलग, मतलब ये है कि आप एक समझदार शिक्षक भी है और एक्सपीरियंस होल्डर है हमारे पास ना कामना जी, बहुत सारे कोर्सेज है, ड्यूरेशन बांट दिया है, सब कोर्स का ड्यूरेशन अलग अलग है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, यू नीड वर्केबल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो ठीक है मैं आपको 60 दिन में सिखा दूंगा, इतना कि आपका काम निकल जाएगा। हमारा 7 दिन का ओई भी होता है ऑफिशियल इंग्लिश, 7 दिन का ट्रेनिंग लो एंड यू गाइज कैन वर्क स्पेलिंग इन एनी पार्टिकुलर ऑफिस, राइट। अब आपको ना जाना MNC, आपको ना टॉप लेवल की जॉब चाहिए, तब तो आपको टाइम लगेगा, मेरे साथ आपको टाइम देना पड़ेगा और ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा। वहाँ 3 तरह के लोगों से पढ़ना पड़ता है, एक तो टीचर से, एक ट्रेनर से और एक मोटिवेटर से। एंड टू बी फ्रैंक मैं आपको बता दूं कि मैं तीनों, एक टीचर भी हूँ, एक ट्रेनर भी हूँ और एक मोटिवेटर भी हूँ, क्योंकि मैं काम MNC में करता था, लॉट्स ऑफ आइडिया है, ओके। मैं दिल्ली MNC में काम करता था, आई हैड बीन द मास्टर ट्रेनर देयर, तो मुझे तो बिहार आनी थी, सपना था एक दिन बिहार को ना बदल देनी है, मधुबनी को बदल, और खास के मधुबनी को लंदन बिहार बनाना है, तो मैं एक मिशन के साथ आया था। और टू बी फ्रैंक क्या कहा आपने, मधुबनी, मधुबनी को लंदन बिहार बनाना है, चलिए लंदन और बिहार बनाना है, बड़ी अच्छी बात है। तो आप ये बताएं मुझे कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं कितना बैचेज है आपके पास? मोर देन 15 बैचेज इन अ डे।
उन बच्चों के लिए भी कुछ है कि जो इस लायक नहीं है लेकिन सीखना चाहते हैं, मतलब जो गरीब कर सकते हैं? अफकोर्स कामरान जी, मैं ऐसा शख्सियत रहा हूँ, मैं ऐसा शख्स हूँ जिसने एक बार मुंह खोल दिया कि सर हम बिलोंग करते हैं गरीब फैमिली से, हम तो मैं एक बार पैसा मांगता नहीं बल्कि अपने पॉकेट से कितनों का फी भरा हूँ। आज के डेट में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका ट्यूशन फी मैंने भरा और आज वो रेलवे में जॉब करता है। तो आर एन ठाकुर ऐसे नहीं, बैंक आर एन ठाकुर ऐसे एक ब्रांड नहीं बना। यहाँ जगह है उन सब के लिए क्योंकि मैं खुद ही गरीब रहा हूँ, मैं गरीबी जानता हूँ, राइट। तो आज भी मेरा दरबार उन बच्चों के लिए खुला हुआ है जिनको पैसा नहीं है, जिसको पैसा के अभाव में एजुकेशन नहीं मिल पाते, नॉट केवल इंग्लिश बल्कि ऐसे बच्चों को मैं हर एक विषय के लिए छूट करवा दूंगा। उनके लिए मैं योजनाबद्ध तरीका से तैयारियां करवा दूंगा, दूसरे टीचर से भी करके, क्योंकि मोस्टली टीचर तो मेरे स्टूडेंट ही आज के डेट में मधुबनी में 20 साल का जर्नी रहा है। आई थिंक यू नो 70% टीचर दे आर माई स्टूडेंट, दे आर रनिंग वेल देयर ऑन सेंटर एट मधुबनी। तो इतना तो बात मेरा मानेगा ही, गरीबों के लिए दरबार खुला हुआ है। आपसे एक आखिरी बात जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है कि आपके यहाँ क्या फी स्ट्रक्चर क्या है? सब कोर्स का सर अलग अलग फी है, बता दें। वैसे कोई एकेडमिक कोर्स मेरा जैसे है 11 12th, तो उसका मैंने 4500 रखा। स्पोकन कोर्सेज है उसका भी मैं 4500 लेता हूँ, राइट। कॉल सेंटर ट्रेनिंग करता है तो उसका मैं 7000 लेता हूँ। कॉम्पिटिशन का तैयारी करता है 5000 लेता हूँ, और कॉम्पिटिशन में भी सब तरह का है ना, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, SSC कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, राइट। MNC में जाना है तो सोच लेते हैं, और बच्चे को उसमें डिबेट भी कर देते हैं, चलो यार जितना ही देना है उतना ही दे दो। स्टैंडर्ड के बच्चे छात्र छात्रा आपके यहाँ जा सकते? कॉलेज लेवल के बच्चे रहते हैं, और ऐसी बात नहीं जिसको लैंग्वेज सीखना है वो तो अंडर मैट्रिकुलेशन वाले भी। मैट्रिक के बाद आई डोंट थिंक इवन रिक्शा पुलर कैन लर्न इंग्लिश इन माई सेंटर, ओके। मेरे यहाँ अनपढ़ गवार भी इंग्लिश सीखता है। ग्रेजुएट का क्या कहना और कॉलेज वालों का क्या कहना, क्योंकि मैं ऐसा माहौल क्रिएट कर लेता हूँ, एक ऐसा माहौल जो हिंदी मैथिली की तरह ही लगती है, और बातों बातों में खेलते खेलते हंसते हंसते इंग्लिश सिखा देता हूँ। ठाकुर जी, आखिर में चलते चलते आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया का साथ दीजिए, ये आपके लिए कुछ खास काम कर रहे हैं, और इनसे जुटिए और मधुबनी के खबरों को जानने का प्रयास कीजिए। शायद कामरान एक बहुत ही अच्छा शख्सियत रहे, मैं इनको जानता हूँ, और एजुकेशन पक्का लीजिए, एक रोटी कम खाइए, एजुकेशन जरूर लीजिए, चाहे वो एजुकेशन किसी भी फील्ड का हो। अगर अंग्रेजी सीखना हो तो आर्यन ठाकुर के पास जरूर आइए। जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास आओ, आप कहीं भी जाके सीख लो, राइट। आप कहीं भी जाके सीखो, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, बट आर्यन ठाकुर भी सर में है। अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो एक बार मौका अवश्य दें, जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, ये थे आर्यन ठाकुर जी, आपने इनकी सारी बातों को सुना है, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।